अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बन रहे हमर लैब से मरीजों के परेशानियों का निवारण हो सकेगा। लैब के चालू होते ही बाहरी आए मरीजों को भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। किसी भी तरह की जांच के लिए आए मरीजों का जांच सीधे सीधे लैब में होगा और उच्च गुणवत्ता के साथ जांच रिपोर्ट मरीजों को दे दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी जांच है जो PSC CHC लेवल की है, जिनकी जांच कर सुविधाएं एक चैनल के द्वारा स्पेशल टेस्ट के प्रोविजन रहेंगे। इनके माध्यम से रिपोर्ट को जांच करके जहां है वहीं पर भेज दिया जाएगा, जिससे मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आएंगे उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी, उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इसका लाभ मिल सके। लैब अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है। अधीक्षक के द्वारा इसे संभवतः 1 महीने में पूर्ण होना बताया जा रहा है। देखिए, ये इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो हमर लैब जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, और इसमें जितने भी अत्याधुनिक मशीनें हैं वो लगेंगी और ये डिवीजन से जितने भी जगह से सैंपल्स आएंगे उसका सब एक सेंट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि ऐसा कोई सेंट्रल लैब नहीं था जहाँ पर इसको PSC CSC से कनेक्ट हो सके। मतलब वो कुछ जांचें हैं जो PSC लेवल पे संभव है, जो CSC लेवल पे है, जो PSC CSC लेवल पे संभव नहीं है, जिला स्तर पे संभव नहीं है, जैसे बैकुंठपुर जिले हुए, सूरजपुर जिला हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है तो एक स्पेशल टेस्ट के हमारे प्रोविजन रहते हैं, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक सेंट्रलाइज किया गया है और इसको वो एक चैनल के माध्यम से PSC पेशेंट को नहीं भटकना पड़ेगा, पेशेंट को वहाँ सैंपल देना पड़ेगा, चाहे PSC CSC जिला में, वहाँ से सैंपल हमारे पास सीधे एक माध्यम से आएगा और हम लोग यहाँ से टेस्ट करके उसको उनके जहाँ तक है वहाँ पर ऑनलाइन उसको उसकी रिपोर्ट भेज दिया करेंगे। एक इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जैसे आप देखे होंगे उसके पहले वायरोलॉजी लैब था जो किसी पूरे देश में कुछ ही जगह में सीमित था, जो आज अंबिकापुर में है। उसके बाद एक बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी जाँच के क्षेत्र में एक हमर लैब का है, तो इससे निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को, और फिर यहाँ पर चूँकि मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा है, तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका जो भी ट्रेनिंग के लिए भी आएंगे उनका भी उसको लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हम लोग 90% कंप्लीट हो चुका है, इंटीरियर का कुछ काम बचा है। हमने 1 महीने का टारगेट दिया हुआ है, 1 महीने में उन लोगों ने भी किया है, वो कुछ बाहर कुछ और हमने अभी 2 दिन पहले ही यहाँ के जो जितेश्वर सिंहदेव जी हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया और उनके साथ में हम लोगों ने भी, मैं तो नियमित तौर से प्रतिदिन ही निरीक्षण करता रहता हूँ, तो उसको हम लोग डेली प्रोग्रेस ले रहे हैं। उसके अनुसार हमें लग रहा है कि 1 महीने के अंदर हम लोग कर लेंगे। कुछ उपकरण हमने ऑर्डर किया हुआ है जो CGMSC के माध्यम से क्रय कर रहे हैं, वो कुछ उपकरण तो आ जाएंगे और कुछ उपकरण में समय लग सकता है, लेकिन हमारा काम चालू हो जाएगा। ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे CDC और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के माध्यम से हो रहा है, उसमें एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता बट मिनिमम 1 करोड़ के आसपास तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा होगा। लेकिन हमने जो उपकरण इसमें जो आ रहे हैं, हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख के आसपास के उपकरण हम लोग को क्रय करने के लिए ऑर्डर किए हैं।